संभल के चलो। अब छाया का घर आ गया है, मैं तुम लोगों को थोड़ी देर में लेने आता हूं। ओके, कुंचन मुझे फोन कर देना। ठीक है भैया, चलो चलो। छाया, 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 क्या हुआ? जल्दी आओ ना, सब आ गए होंगे कैरम हॉल में। अब तक हम नहीं आ सकते, और तुम लोग भी मत जाओ, कोई नहीं आने वाला इतनी रात को। तुम लोग हमारी बात मानो, तुम लोग भी घर लौट जाओ। अरे हम सब नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा? चलो ना छाया, देर मत करो। कम ऑन छाया, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर तुम हमारे साथ हो तो चलो, नहीं तो है साथ, पर अभी नहीं आ सकते। नो प्रॉब्लम, रसना चले। चलो भी नहीं है, यानी प्लान फेल होता है ऐसा भी, और ऐसा नहीं भी होता, इसलिए थोड़ा इंतजार करो, सब्र रखो। क्या बात है, क्या बात है, ठुमका तो देखो। बॉस क्या आइटम लग रही है गोरी। अरे एक्शन देख, एक्शन। गुरुजी, सब की सब कन्याएं सलवार और कमीज में आ गई। अच्छा, हम तो ये भी सुने हैं कि बहुत कम लड़कियां आई आज कॉलेज में। हाँ गुरुजी, एकदम सही सुने आप। वाह क्या बात है, ये हुई ना बात। एक मिनट, ज्यादा उछलो मत। उन लड़कियों ने बेसक सलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया है, पर वो लड़कियां हमारे खिलाफ मोर्चा निकालने की सोच रही है। क्या कह रहे हो? अभी अभी पोस्टर पढ़ के आ रहा हूं। ठीक है, अब बजेगी इनकी बैंड। लातों के भूत हैं, बातों से तो मानेंगे नहीं। कल हम एक रैली निकालेंगे और उसका नाम होगा संस्कृति रैली। कल हम फिर स्वामी विवेकानंद कॉलेज जाएंगे पूरे सामान के साथ, और फिर मैं देखता हूं वो लड़कियां क्या करती है, और जिसने भी विरोध किया उसे वही धर देंगे। कुंचन, नौ कब के बज चुके हैं और अभी तक कोई भी नहीं है। हमें लगता है कि शायद कोई आएगा भी नहीं। सब डरता है कुंचन, तुम्हारी जैसी हिम्मत और बाकियों में नहीं। तो चले वापस, बिना कैंडल चलाए। लेकिन कुंचन, सिर्फ दो कैंडल तो क्या हुआ? क्रांति लाने के लिए सिर्फ एक ही काफी होता है। हम तो फिर भी दो हैं, एंड वैसे भी एक और एक दो नहीं, 11 होते हैं। कोई आए या ना आए रचना, हमें हिम्मत नहीं हारना।
चलो लाओ कैंडल दो। छाव कल हो न हो कागज की नाव कल हो न हो कर ले मनमानी ना लौटेंगे ये दिन फिर मुड़ के सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने। कदम आगे बढ़ चुके हैं रचना, अब पीछे नहीं हटेंगे। भगवान जी, आज हमारी हिम्मत हमारी मेहनत का नतीजा निकलने वाला है और आपके बिना कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा सहारा बनना, हमारी ताकत बनना, हमें हमारे कैंपेन में कामयाब करना। अरे वाह, आज सुबह सुबह दोनों लड़कियां मंदिर में, क्या मांग रहे थे भगवान से? कुछ नहीं मम्मी, वो आज हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसी के लिए भगवान से आशीर्वाद मांग रहे थे। आप भी दे दीजिए। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। भगवान करे तुम जिंदगी के हर परीक्षा में पास हो, सफलता मिले, आगे बढ़ते जाओ और हर कदम पर भगवान तुम्हारे साथ रहे। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। चले? हाँ हाँ चलो, अब जाओ भी। बाय बाय बेटा। तो कोई मोर्चा नहीं है, लगता है इन सब की अकल ठिकाने आ चुकी है। चले थे हमारी संस्कृति के खिलाफ आवाज उठाने, चलो यहां से। रुको, पुलन देवी जी, आपकी बाकी की सेनाएं भाग गई या फिर सेनाएं बनी ही नहीं? अरे ऐलान तो बहुत बड़े बड़े किए थे, धनाधन SMS भी हुए थे, फिर क्या हुआ? हो गई ना टाटा किस? चलो मैडम, अब अकेली लड़ने के लिए तैयार हो क्या? Thank you.
ना जाए इन लड़कियों पे, लड़कियां होता ऐसी हो। लास्ट वार्निंग दे रहे हैं तुम सबको, समझे? अभी भी संभल जाओ, हमारी संस्कृति के साथ ये खिलवाड़ करना बंद करो। और अभी क्या, अभी जाओ सब और ये कपड़े बदल कर आओ। बढ़िया ही जींस पहनने वाली, अभी जाओ नहीं तो यही बता देंगे, जाओ यहां से। एक बार बात समझ में नहीं आती क्या है? फैशन का जो भूत है ना, ये यही उतार देंगे। धमकी देने वाले बुजदिल होते हैं, अगर इनकी हिम्मत है तो बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, बढ़ो। भारत की संस्कृति और इतिहास हमें मत समझाओ। जिस देश में देवी माँ की पूजा की जाती है, जहाँ धरती को माँ कहा जाता है, वहीं मासूम लड़कियों को डराया धमकाया भी जाता है। जैसा कि तुम लोगों ने इसके साथ किया, चार लड़के इसे सुनसान गली में घेर लेते हैं, छेड़ते हैं और धमकी देकर चले जाते हैं। एक लड़की पर एसिड फेंक दिया जाता है, क्यों? क्योंकि उसने एक बदमाश को मुंह तोड़ जवाब दिया। कब तक चलेगा ये दबाना, रोक टोक, ये दमन? हाँ, 21st सेंचुरी के भारत देश में आज भी लड़कियां सूरज ढलने के बाद घर से बाहर आ जा नहीं सकती, बस घर पे घूंघट पहने बैठी रहती हैं। क्यों? संस्कृति के नाम पर, तुम्हारे पिछड़े समाज के तौर तरीकों की वजह से। अगर यही इस देश का इतिहास है, संस्कृति है, तो इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई और कल्पना चावला जैसी औरतें किस देश की है? और अगर हम तुम्हारी बताई हुई राह पर चलने लगे तो भेड़ बकरी और हम में क्या फर्क रह जाएगा? जैसे हर शाम उन्हें आंगन में खूंटे से बांध दिया जाता है, वैसे ही लाखों औरतें, माएं, बहनें, बीवियां जिंदगी भर एक कैदी की जिंदगी जीती हैं। अपना भाषण बंद करो, हटो पीछे यहां से। नहीं तो क्या, जींस के साथ साथ हमें भी जला दोगे? मारोगे हमें? बोलो। अगर पश्चिमी कपड़े पहनने से हमारी भारतीयता कम हो जाती है, संस्कृति भूल जाते हैं, तो फिर साइना नेहवाल देशद्रोही हुई क्यों? स्कर्ट पहनती है ना वो, और मेरी कॉम भी। हम किसी की नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। जाओ जाओ, उनका मेडल वापस ले लो, दे दो उनको देश निकाला। अपनी सोच बदल लो, इससे पहले कि सोच तुम्हें खत्म कर दे। आए दिन का ये डर, खौफ, धमकियां क्या हमें मंजूर है गर्ल्स? मंजूर हो या ना हो तुम्हें अभी पता चल जाएगा, अभी दिखाते हैं तुम्हें। लो रे सामान, लो जाओ, जाओ सामान, जल्दी लो जाओ। सर लगता है हम लोगों को कुछ करना चाहिए, वो लोग तो हथियार निकाल रहे हैं। निकालने दीजिए सर इनको हथियार, आज इनको पता नहीं है कि लड़कियां जब काली का रूप धारण कर लेंगी तो क्या कर सकती। आज तो इन लोगों के लिए लड़कियां ही काफी हैं।